हेलो ब्लू गर्ल्स एंड बॉयज, मेक सम नॉइस, जय भीम। अरे मैं हूँ आरजे जैकी आपके साथ, वेलकम है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज ऐसे महिला की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने बुद्ध, फुले, अंबेडकर और मार्क्स के विचारों को पूरे दुनिया भर में फेमस कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर गेल ओम्वेट की। डॉक्टर गेल ओम्वेट एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री है और लोग इंडिया से वहां जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्होंने वहां से इंडिया आने का सोचा। जी हाँ, डॉक्टर गेल ओम्वेट बिलोंग करती है अमेरिका से। जब उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया तब वो इंडिया के महाराष्ट्र में आई। यहाँ पे आके उन्होंने महात्मा फुले के मोमेंट को समझा, उनके संघर्षों को अपनाया और इस पर एक थीसिस लिख डाली जिसका नाम था नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। इस पर अपना लेख उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सबमिट किया और डॉक्टरेट की पदवी हासिल की। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गेल ओम्वेट एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पहली बार महात्मा फुले को इतना डीपली स्टडी किया था और उनकी स्टडीज को दुनिया भर में पहुंचाया। ये ऐसा पहली बार हुआ था और ये ऐसा पहली बार हुआ था जब महात्मा फुले के जितने भी विचार थे वो पूरे महाराष्ट्र भर में लोगों तक पहुंचने लगे और लोगों को समझ में आया कि क्या थे महात्मा फुले के विचार। और इसी के साथ साथ इनके स्टडी से प्रेरित हुए थे, इंस्पायर हुए थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दिवंगत काशीराम जी। वो कासेगांव आते थे डॉक्टर गेल ओम्वेट से मिलने और उनसे सलाह मशवरा लेते थे। मतलब उनकी स्टडी इतनी गहरी थी कि इस पर अब कोई शक नहीं था। जब ये स्टडी कर रही थी स्त्री मुक्ति मूवमेंट पर तब इनकी मुलाकात हुई क्रांति वीरांगना इंदुताई पाटनकर से। तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी स्त्री मुक्ति आंदोलन पर हिस्सा लूंगी और इसको और आगे बढ़ाऊंगी। इसी में उन्होंने अपनी एमडी की पढ़ाई छोड़कर भारत में ही सेटल होने का मन बना लिया और उसके बाद उन्होंने भारत में बुद्ध, अंबेडकर, फुले और मार्क्स के विचारों को तूफान की तरह आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भारत पाटनकर को अपना जीवन साथी चुना। अब सोच रहे हो, दो कॉम्बिनेशन, एक तरफ डॉक्टर गेल ओम्वेट और दूसरी तरफ डॉक्टर भारत पाटनकर, ये दोनों जब मिल गए थे तो मोमेंट को एक अलग ही सुपर पावर मिल गई। इन दोनों ने मिलकर कई मोमेंट्स को बढ़ावा दिया और भारत भर में घूम घूम कर ये बताया कि बहुजनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुजनों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुजनों को उनका हक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने भारत में कई यूनिवर्सिटीज में एज ए प्रोफेसर बनके काम किया, जैसे पुणे में वो फुले अंबेडकर चेयर के प्रमुख थे और इसी के साथ साथ वहां पे वो सोशल स्टडीज की प्रोफेसर भी थी। वो ओडिशा के निस्वास में अंबेडकर चेयर के प्रोफेसर थे और साथ ही साथ शिमला इंस्टीट्यूट में भी प्रोफेसर का काम किया है। इनके कई सारे बुक्स पब्लिश हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। मैं आज के यूथ को बताना चाहूंगा कि इनकी बुक्स आप जरूर पढ़ें। कुछ बुक्स मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली तो बुक है कि द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। दूसरी बुक है डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, दलित एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, अंडरस्टडिंग कास्ट एंड वी विल स्मैश द प्रिज़न। ये बुक्स आप जरूर पढ़ें और इनके विचारों को समझने की जरूर कोशिश करें। एक दूसरे देश से हमारे देश में आकर इन्होंने बुद्ध, अंबेडकर, फुले और मार्क्स के विचारों को हम तक पहुंचाया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश के हैं, ये महापुरुष हमारे देश के हैं, तो इन महापुरुषों को हमें दुनिया भर में, इनके विचारों को दुनिया भर में पहुंचाना है और इसका काम सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। बहुजनों के अलावा किसी को नहीं पता कि इन महापुरुषों ने कितने बड़े काम किए हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये महापुरुष सिर्फ हम बहुजनों के लिए नहीं, ये महापुरुषों ने पूरे इंडिया को संभाला है, पूरे भारतवर्ष को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। तो आप भी इन विचारों को समझें और दूसरों को समझाने की जरूर कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच से कभी नहीं जाते, हमारे विचारों में, हमारे दिलों में, हमारे मन में हमेशा ये अमर रहते हैं, है ना। सो आज डॉक्टर गेल ओम्वेट 81 ईयर्स में हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी। जय भीम।